मनुष्य को शक्ति आत्मविश्वास से मिलती है। यदि आत्मविश्वास है तो मनुष्य स्वयं की और अपनों की रक्षा कर सकता है। दाधान, आक्रमण हुआ है। हमारा भाई उचिता कंक प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर ने आक्रमण कर दिया। हस्तिनापुर ने बिना चेतावनी के आक्रमण कैसे कर दिया? महाराज, तिगत नरेश सुशर्मा ने आक्रमण किया है। सुशर्मा, इतना साहस, तुम्हें पराजित होना होगा। चलो, सेना प्रजा को सावधान कर दो, सब युद्ध के लिए तत्पर है। ये जानते हुए भी कि मत्स्य दुर्योधन का मित्र राज्य है, सुशर्मा ने आक्रमण का साहस किया, ये तब तक संभव नहीं जब तक उसे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त ना हो। इसका अर्थ ये सब दुर्योधन ने करवाया? दुर्योधन, युवराज, सतर्क ध्वनि का स्वर सुन रहे हैं आप? हमें उन्हें बताना होगा कि हम मत्स्य पर आक्रमण करने नहीं आए, हमें केवल पांडव चाहिए। मित्र, उनका सतर्क होना स्वाभाविक है क्योंकि विराट पर आक्रमण हो चुका है। सुशर्मा की सेना दक्षिण छोर से विराट पर पहले ही आक्रमण कर चुकी है। इस योजना के विषय में हमें बताना तुमने उचित नहीं समझा दुर्योधन। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, मुझे अपनी हर एक योजना सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम दिवस है। विराट नगर के दक्षिण द्वार पर सुशर्मा ने आक्रमण किया है। उनका सारा ध्यान विराट के दक्षिण द्वार पर होगा और हम उत्तर दिशा से आक्रमण करके पांडवों को वहीं घेर लेंगे। ये नीति के विरुद्ध है। जो राज्य पहले से ही युद्ध में व्यस्त हो उस पे इस प्रकार आक्रमण करना छल है। यह छल नहीं है क्योंकि सुशर्मा हस्तिनापुर का ही सहयोगी है। मुझे किसी भी मूल्य पर उन पांडवों को सूर्यास्त से पूर्व पकड़ना है। दक्षिण द्वार पर आक्रमण की सूचना सुनते ही वो पांडव उत्तर दिशा से निकलने का प्रयास करेंगे। उत्तर द्वार उस दिशा में, चले। परंतु उन्हें इस बात का भान तक नहीं होगा कि उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए हम वहां पहले से ही उपस्थित होंगे। पहले से ही दुर्योधन अपने साथी महारथी और सेनापति को इस प्रकार योजना से अवगत न रखना असम्मान माना जाता है और इस प्रकार से छल करके आक्रमण करना अधर्म। मैं आपको साथ केवल इसलिए लाया हूं पितामह ताकि आप सब इस बात के साक्षी हो सके कि मैंने पांडवों का अज्ञातवास
धर्म सम्मत भंग किया है। आज वो पांडव यहां से यही से वन में जाएंगे अगले 12 वर्ष के वनवास के लिए। चलो सारथी गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। मामाश्री, आपको अपनी योजना पर विश्वास है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है दुर्योधन। पांडव विराट नगर से बाहर निकलने के लिए उत्तरी द्वार का ही प्रयोग करेंगे। देख लेना तुम। गति बढ़ाओ सारथी, आगे बढ़ो। बस सूर्यास्त की देर है, उसके पश्चात हमारा अज्ञातवास संपन्न। जिस शीघ्र ही यहां पहुंचते होंगे उसके पश्चात हम यहां से निकल जाएंगे। मत से ध्वज को हटाया जा रहा है। हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि जब हमें एक वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, हमने यहाँ पर शरण ली, यहाँ का अन्न खाया है हमने, और आज जब विराट नगर को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या यहाँ से जाना उचित होगा? ये क्या कह रही हो पांचाली? वही जो सत्य है और वही जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ। यदि विराट नगर में हमें छिपने का स्थान नहीं मिलता तो अब तक हम सब पकड़े जाते और फिर से वनवास काट रहे होते। ये समय विराट राज का ऋण चुकाने का। परंतु ज्येष्ठ, उन्होंने हमें पहचानकर सहायता नहीं की थी, उन्होंने हमें काम पर रखा। तो इस नाते वो हमारे स्वामी हुए और बिना उन्हें सूचित किए हमारा यहां से जाना भी अधर्म है। धर्म? इसी धर्म के कारण हमें द्यूत में हार मिली, इसी धर्म के कारण आपने फिर से द्यूत खेला। परंतु अब नहीं ज्येष्ठ, केवल एक बार हमारी बात मान लीजिए। पांचाली के खुले काले केशों को देखिए, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो हम सब ने मिलकर ली थी। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हम विराट नगर को फिर से मुक्त करा लेंगे ज्येष्ठ। परंतु उस कलंक से स्वयं को कैसे मुक्त करेंगे आर्य? ये अपने सहायक को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ा है हम। यदि जाना है तो जाकर एक बार विराट राज से कह देते, उनको बताना पड़ेगा कि हम पांडव वीर पांडु पुत्र कायरों की भांति जा रहे हैं। यश भ्राता श्री सही कह रहे हैं सहदेव, यही समय है अपने शस्त्रों पर आई धूल हटा ली जाए। छोड़ो मुझे। मैं यहां से नहीं जाऊंगी, अपने पिता अपने नगर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। परंतु महाराज को बंधक बना लिया गया है,
और मेरा कर्तव्य है आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना राजकुमारी जी। और मेरा कर्तव्य अपनी जन्मभूमि अपने नगर की रक्षा करना है। हाँ, मैं भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे सुशर्मा की सेना हमें बंदी क्यों ना बना ले। परंतु हम महारानी हैं, हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होगी। देखा सहदेव, एक बालिका युद्ध के लिए प्रस्तुत है, एक महारानी अपने बलिदान के लिए तत्पर है, और हम यदि योद्धा होकर भी उनका साथ ना दे पाए तो भले ही हम इंद्रप्रस्थ पा लें, परंतु कभी भी अपनी आंखों में देख पाने का साहस नहीं कर पाएंगे। आप उचित कहते हैं ज्येष्ठ, अब चाहे 12 वर्ष वनवास में और क्यों ना रहना पड़े, हम यहां से नहीं जाएंगे। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए राज्य पर कोई कुरुदृष्टि नहीं रख सकता। कहां प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं युवराज? युद्ध के लिए। याद है ना, मेरे पिताश्री को शत्रुओं ने बंदी बना लिया है। मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा उनसे, विराट नगर का मान बचाऊंगा। क्षमा चाहती हूँ युवराज, आप अभी बालक हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्यों, संकट के समय में राज्य की रक्षा करना तो युवराज का धर्म। मेरे पिता मत्स्यराज अभी संकट में, और पुत्र और युवराज होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। निसंदेह युवराज, ये आपका धर्म है, परंतु आपका सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और सेना की एक टुकड़ी महाराज की रक्षा के लिए भेजी जा चुकी है। सेना नहीं, योद्धा की आवश्यकता है, मैं युद्ध करूंगा उनसे। माताश्री, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा जाना अनुचित है? हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है और हम ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? तुम उचित कह रहे हो पुत्र, परंतु महारानी की जय हो। नगर के उत्तरी छोर से भी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। सुशर्मा ने तो दक्षिण दिशा से आक्रमण किया था, उत्तर से किसने आक्रमण कर दिया? अब कहां छुपेंगे पांडव पुत्र? आज होगा पांडवों का अज्ञातवास भंग। देश, ये तो मवेशी में ले आ रहे हैं। राज की संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य। आगे दीजिए जेस। मुझे विश्वास है नकुल और सहदेव इस ओर संभाल लेंगे। हमें शीघ्र ही विराट राज को खोजकर उन्हें मुक्त कराना होगा। भीम, अरे विराट राज, शीघ्रता करो। बड़ा विराट राजा बनता था, कीचक ही तुम्हारी शक्ति थी, उसके बिना तू एक कूड़ा हारा पुरुष है विराट राज। उत्तर ने अपने पिता को इस अवस्था में नहीं देखा, यह श्रेयस्कर हुआ। परंतु सुशर्मा के पुत्र उसे जिस अवस्था में देखेंगे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सुशर्मा के प्राण ले लूंगा। सावधान भीम, संभल कर प्रहार करना, तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी पहचान हो सकती है।
संभल कर। सावधान शर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि महाराज को मुक्त कर दो, अन्यथा। कौन हो तुम? वल्लभ, महाराज का प्रमुख रसोईया। हमारे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम एक रसोईये से युद्ध करें। वैसे अब तुम हमारे लिए भोजन बनाने का अभ्यास कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ के नए राजा हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। ईश्वर, दुर्योधन, महाबली भीष्म और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों का सामना कैसे करेगी हमारी सेना? कैसे करेगी? युद्ध का वास्तविक आनंद तो महारथियों के साथ लड़ने में ही आता है माताश्री। अब आएगा युद्ध का आनंद, अब सिद्ध होगा कि आपका पुत्र कितना बलशाली, कितना वीर है। अब आप देखना कैसे मैं महान धनुधारी अर्जुन के भांति अपने बाणों से कौरवों का नाश करता हूं। अत्यंत उत्साही मत बनो पुत्र, क्षमा चाहती हूं महारानी, परंतु युवराज का कहना उचित है। ये कैसी बात कर रही हो सारंदरी? युवराज अभी बालक है, वो भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? कर सकता हूं, परंतु एक समस्या है, एक उत्तम सारथी की आवश्यकता है, अन्यथा उन कौरवों को मैं धूल चटा दूं। प्रतीक्षा किस बात की युवराज? आगे बढ़िए। क्या? मैं बताती हूं महारानी, बृहनला कुमार की सारथी बनकर जाएगी। क्या? प्रियनला, एक किन्नर मेरी सारथी बनेगी? अरे ये नृत्यशाला नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। वीणा की तार और अश्वों की रास में बहुत अंतर होता है, वहां मृत्यु तांडव करती है। सैरंद्री, तुम इतना मूर्खतापूर्ण सुझाव कैसे दे सकती हो? कुमार, आपने महान धनुर्धर अर्जुन का नाम लिया, इसी कारणवश मैंने बृहनला को आपकी सारथी बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि एक समय पर बृहनला अर्जुन की सारथी रह चुकी है। क्या? ये अर्जुन की सारथी? विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब कोई और मार्ग भी नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ आने की आज्ञा देता हूं। यदि तुम महान अर्जुन की सारथी थी तो मैं भी तुम्हें अपनी सारथी बना सकता हूं। Don't go, 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 don
मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, क्षमा कर दो मुझे। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि प्राणों की भीख मांग रहे एक याचक को निराश करूं। तुम महाराज महाराज के दोषी हो, तुम्हारा निर्णय वही करेंगे। क्षमा क्षमा महाराज, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। आदेश दीजिए महाराज, क्या करना है इस दुष्ट पापी का। ब्रह्मलला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। यदि आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया तो मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज महामही भीष्म, महाबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। और ज्ञात रहे, जिस गति से मेरे बाण चले उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। जो आदेश युवराज, मैं प्रयास करूंगी कि आपको निराश ना करूं। सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ ब्रह्मलला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई चक्रवात है? नहीं युवराज, ये धूल है जो हस्तिनापुर की विशाल सेना के पथ संचालन से उड़ रही है। क्या हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल? मैंने कहा रथ रोको ब्रह्मलला। दुर्योधन, ये पांडव उत्तरी दिशा से ही बाहर आएंगे, वो रथ देख रहे हो? कदाचित उसी रथ में छिपकर भाग रहे हैं भगोड़े। आओ जो भी हो, ये पांडव सदा अचंभित कर ही देते हैं। हस्तिनापुर की इतनी बड़ी सेना के समक्ष केवल एक पांडव पुत्र, दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य, केवल अब चार पांडव वन में जाएंगे क्योंकि एक का आज ही अंत हो जाएगा। यही सारथी, क्या हुआ युवराज, आपने रोकने के लिए कहा? हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। हाँ,
अचानक रुक क्यों गया? क्या हुआ युवराज, आपने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो ब्रियनलला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। देखो दाएं से बाएं तक जहां दृष्टि जाती है हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। देखो वो दूर श्रीतिश तक घेर लिया है उन्होंने। ब्रियनलला मुझे लगता है कि हमें सेना के साथ आना चाहिए। कौन सी सेना युवराज? इस मत्स्य में यदि कोई महारथी शेष है तो वो केवल आप है। परंतु इतने महारथियों और इतनी विशाल सेना के समक्ष तो मैं पल भर भी नहीं ठहर पाऊंगा। नहीं, तुम रथ को पुनः महल ले चलो। नहीं युवराज, ऐसा सोचना भी अधर्म है। आप विराट नगर के युवराज हैं। भूल गए महारानी और कुमारी उत्तरा को क्या वचन दिया था आपने? इस समय प्रजा की एकमात्र आशा आप हैं। परंतु यदि आप कायरों की भांति भाग निकले तो विराट नगर पर आपके कुल के मस्तक पर भयंकर कलंक लग जाएगा। वो देखिए, शत्रु हमारे समक्ष खड़ा ललकार रहा है हमें। क्षत्रिय धर्म निभाने का समय आ गया है युवराज। धनुष उठाइए युवराज, धनुष उठाइए। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। शत्रु को पीठ दिखाकर भागना एक सबसे बड़ी मूर्खता है, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप सहलूंगा परंतु इस सेना के वाहन नहीं सह पाऊंगा। मुझे नहीं कहलवाना योद्धा, मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कुमार, भागने नहीं दूंगा। ठहरिए युवराज, मैं कहती हूँ ठहरिए। कायर मत बनिए युवराज, रुक जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये तो वापस लौट रहा है। आमाश्री, आपने तो कहा था कि ये योजना सफल होगी। पांडव इसी द्वार से आएंगे, परंतु ये तो उल्टे पांव लौट रहे। नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि पांडव अपने शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। हो सकता है दुर्योधन की ये पांडव ना हो, परंतु पांडवों के पास हमारे समक्ष प्रस्तुत होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं। आप भाग नहीं सकते कुमार। कोई और मार्ग नहीं है ब्रियनलला, मैं इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं कर सकता। परंतु मेरी दृष्टि में युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मुझे जाने दो ब्रियनलला, मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे नहीं मरना, मुझे अपने प्राण नहीं दे दे। ये समय रोने का नहीं है युवराज। क्या कहा था आपने? आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा मृत्यु का सामना हंसकर करता है, मृत्यु के भय से रोता नहीं। और किस बात से भयभीत हैं आप अकेले नहीं हैं। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? अकेले ही तो हूं मैं ब्रियनलला। देखो चारों ओर कहां है सेना, कौन देगा मेरा साथ? मैं दूंगी आपका साथ। तुम्हारा साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो।
नहीं उत्तर। मैं कौंतेय अर्जुन पशुपतधारी ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन संभव। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है कुमार। मैं सत्य में अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर इस समय कंक वेश में तुम्हारे पिता श्री की सहायता कर रहे हैं, और जो तुम्हारा प्रधान रसोईया है वो कोई और नहीं महाबली शक्तिशाली भीम है, और जो ग्रंथिक तुम्हारी अश्वशाला संभालता है वो मेरा अनुज नकुल, और जो तुम्हारी गौशाला संभालता है कोई तांतीपाल नहीं मेरा अनुज सहदेव, और तुम्हारी माता की दासी सैरिंद्री स्वयं याज्ञसेन पांचाली। हम पांचों भाई यहां अज्ञातवास में, परंतु इस अज्ञातवास में तुम्हें तुम्हारे साहस का ज्ञान कराना कदाचित हमारा प्रारंभ है। महाबली महाधनुधारी अर्जुन मुझे क्षमा कर दीजिए। महान धनुधारी अर्जुन मैंने आपका निरादर किया, मुझसे भूल हुई। ये तुम्हारी भूल नहीं हमारी सफलता है, जो तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए, परंतु भविष्य में किसी को छोटा समझकर उसका निरादर करना सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य भिक्षुक हो या राजा, सबसे पहले मनुष्य होता है, और हर मनुष्य को सम्मान पाने का अधिकार है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका साथ मिला। अब मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, निवेदन है। जिस मत्स्या ने हमें शरण दी उसका आदर बना रहे, इसलिए हमें पुनः रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। परंतु महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उस वृक्ष पर लटके श्वेत वस्त्र में हमारी कुछ वस्तुएं, समय हो गया है हमें रणभूमि में लौटना होगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मामाश्री, अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। एक रथ आ रहा है।
स्त्री है। स्त्री है? ये तो प्रेरणाला है। देख रहे हैं मामा श्री, विराट नगर का युवराज सारथी बना हुआ है और वो भी एक स्त्री का। ना 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 ना, स्त्री का नहीं दुर्योधन, एक किन्नर का। किन्नर। ऐसे तुमसे युद्ध करना मेरा और हसनैनापुर के मान का अपमान है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि मैं यहां विराट नगर से युद्ध करने नहीं आया, मुझे केवल पांडव चाहिए। मार्ग से हट जाओ। कदाचित भूल रहे हो युवराज, जिसके हाथ में धनुष होता है उसका परिचय उसका कौशल देता है। तुम्हारे सामने एक योद्धा खड़ा है, विराट नगर की सीमा पार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, विजय पानी होगी मुझसे। कल्पना अच्छी है किन्नर, परंतु एक किन्नर से युद्ध करना, देख वजह दुर्योधन के सम्मान के विरुद्ध है। परंतु फिर भी यदि युद्ध करने के इच्छुक ही हो तो पहले अपना परिचय दो। कौन हो तुम? प्रहनेल्ला नाम है मेरा। अब तक तो कुमारी उत्तरा की संगीत शिक्षिका थी, परंतु इस समय विराट नगर की रक्षिका हूं मैं। द्वंद से पूर्व महान महारथी भीष्म और महान आचार्य द्रोण को मेरा प्रणाम। हो सकता है ये भेष बदले कोई पांडव ही हो।